माय चैनल रोज एंड बटर्स कुकिंग क्लासेस। आज मैं आपके सामने जो डिश लाई हूँ वो एक हेल्दी पुडिंग है। ये हमारा सेवई, कस्टर्ड सेवई है, जो कि हमने फ्रूट्स के संग और चिया सीड्स के संग इसको प्रेजेंट कर रही हूँ मैं। चिया सीड्स आपको पता है आजकल बहुत हमारा लेटेस्ट रेसिपी में चल रहा है, क्योंकि चिया सीड्स बहुत हेल्दी है, इसको हम बहुत ज़्यादा फाइबर है इसके अंदर, इसलिए हम चिया सीड को आजकल अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। इसमें फ्रूट्स है, मिल्क है और हमारे नट्स हैं। ये बच्चों के लिए एक बहुत हेल्दी ड्रिंक है, बड़ों के लिए भी आपका एक हेल्दी ड्रिंक है। आप इसको ब्रेकफास्ट में बनाकर आप इसको ले सकते हैं, आपका ये एक कंप्लीट मील हो जाएगा आप इसको ब्रेकफास्ट में अगर लेते हैं तो। आप इस डिश को ज़रूर ट्राई करिएगा। 1/4 सेवई है हमारे पास, 1.5 कप दूध है हमारे पास मिल्क, हमारे पास है कटे हुए आम, कुछ चेरीज हैं, टूटी फ्रूटी है, वनीला कस्टर्ड पाउडर है और चिया सीड्स है। चिया सीड्स को 2 चम्मच पानी में आप 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। एक पैन में 1 टीस्पून हम घी डालेंगे, सेवई डाल देंगे। सेवई को हमें गोल्डन ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसको हम अच्छे से पकने देंगे। ये हमारी सेवई गल चुकी है, अब हम इसमें 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लेंगे एक बोल में। इसको डायरेक्टली नहीं डालते हैं, मिल्क लेंगे हम इसमें। इसको हम अच्छे से घोलेंगे, लम्स फ्री होना चाहिए ये। इसको इसमें ऐड कर देंगे। इसके संग ही हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से पका लेंगे हम। ये देखिए, ये हमारा गाढ़ा हो गया है, अब इसको हम बंद कर देंगे और असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो चिया सीड है वो डालेंगे 1 टीस्पून। इससे ये बहुत हेल्दी हमारा ड्रिंक बन जाता है। इसके बाद हम इसमें अपना कस्टर्ड सेवई डालेंगे। ये एक हेल्दी पुडिंग है हमारी। अब इसमें हम फ्रूट्स डालेंगे अपने, मैंगो, जो भी आपके पास सीजनल फ्रूट्स हों आप वो डाल दीजिए। अभी तो आम का सीजन है। कुछ टूटी फ्रूटी डालेंगे इसमें हम। बहुत कलरफुल है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये। इसमें हम 1/2 टीस्पून डालेंगे केवल चिया सीड। दोबारा हम इसमें कस्टर्ड सेवई पोर करेंगे। इसमें हम मैंगो डालेंगे। हम थोड़ी सी व्हिप क्रीम डालेंगे ऊपर से। कुछ हम चॉप नट्स डाल देंगे इसके ऊपर। पिस्ता और बादाम है मेरे पास।
और चेरी लगा देंगे इसमें हम। ये हमारा सेवई कस्टर्ड बनके रेडी है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी पुडिंग है ये, डिफरेंट पुडिंग है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।